हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ बैक कैमरा को लेकर भी ग्लानजा जी वेरिएंट के लिए एक रिव्यू वीडियो किया जाए तो आज मैं लेके आया हूँ बैक कैमरा का रिव्यू तो हम लोग देखते हैं कि नाइट में बैक कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा है तो अभी अभी मैं न्यूट्रल गेयर पे हूँ तो मैं रिवर्स गेयर पे डालता हूँ अभी तो ये देखिए रिवर्स गेयर पे डाल के तो नाइट में कुछ ऐसा व्यू है और पीछे मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट डार्क है पीछे कुछ भी बिना मतलब कोई ज़्यादा लाइट नहीं है पीछे तो पीछे ऑलमोस्ट डार्क है तो डार्क के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है मतलब जितना पीछे डार्कनेस है उस हिसाब से तो ठीक परफॉर्मेंस है पीछे का प्रॉपर नज़र आ रहा है रोड और इसमें कुछ सेटिंग भी होती है अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ पर कैमरा डिस्प्ले सेटिंग्स होती हैं तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट और ये कॉन्ट्रास्ट आप कम ज्यादा कर सकते हो ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका कैमरे का सेचुरेशन घटा बढ़ा सकते हैं और टेंट भी बढ़ा सकते हैं तो फिलहाल तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा इसको रिसेट कर देता हूँ जैसा पहले था वैसे ही रखता हूँ इसको और इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग असिस्ट का भी फीचर है अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आई थिंक पार्किंग सेंसर जो है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है कार आई थिंक पार्किंग सेंसर काम नहीं करेंगे तो इसको ऑन ही रखना चाहिए और ये गाइडलाइंस का है अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये आपकी सारी गाइडलाइंस गायब हो जाएंगी तो उसका तो कोई भी पर्पस ही नहीं है उसको तो हमेशा ऑन ही रहना चाहिए तो इसको तो ऑन ही रखना चाहिए हालांकि इसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है जो कि आपके स्टेयरिंग के हिसाब से बताती है कि आपकी कार किस तरफ जाएगी वो एक चीज और होती तो काफी सही रहता वो चीज फिलहाल इसमें नहीं रहती है और बात रही इसके रिव्यू की वैसे नाइट टाइम का रिव्यू विजन वाइज ठीक है इसका पर इसमें कमी है जो कि मुझे होंडा के एक यूजर ने बताई है कि इसमें बहुत वाइड आपको नहीं दिखता है जब आप बैक करते हो तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहां यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही मुझे दिख रहा है कोई कार अगर थोड़ी दूर से भी आ रही होगी जब तक वो बिल्कुल नियर नहीं, नहीं आ जाएगी मुझे मालूम नहीं चलेगा पीछे से कोई कार आ रही है तो होंडा की कार्स में जो कि मुझे यूजर ने बताया कि उसको थोड़ा दूर का भी दिखता है कि अगर कार थोड़ी दूर होगी तो भी उसको पता चल जाएगा कि पीछे से कार आ रही है पर ग्लांस जी का जो बैक कैमरा है उसमें वो फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल जब वो कार आ, मेरे कार के पास आ जाएगी तभी मुझे वो दिखाई पड़ेगा तो ये एक इशू है इसमें कि ज्यादा दूर का विजन मतलब ज्यादा दूर का वाइड एंगल इसका नहीं है कैमरे का मे बी बिकॉज इसकी जो प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है इस वजह से तो उस वजह से हो सकता है बाकी कैमरा की क्वालिटी तो मैंने चेक किया है ठीक ठाक है पीछे काफी अंधेरी रोड है फिर भी ठीक ठाक विजन आ रहा है पीछे का और उसके अलावा आप देख सकते हैं मुझे ऑलमोस्ट अभी सिक्सटीन का एवरेज हो गया है तो अभी मैं एवरेज से सेटिस्फाइड हूँ एवरेज ऑलमोस्ट सिक्सटीन का हो गया है तो मुझे अभी एवरेज से कोई इशू नहीं है सिक्सटीन इज इनफ बिकॉज बाकी सिक्सटीन मतलब सिटी में तो ठीक है अगर मैं शायद हाईवे में जाऊँगा तो ये ट्वेंटी तक भी जा सकता है और थोड़ा और अगर आपको दिखाना चाहूँ ये जो मेरी लाइट है अभी ये मेरे फॉग लैम्प की लाइट है सिर्फ तो फॉग लैम्प की लाइट भी ठीक ही है और अगर मैं अपनी हेडलाइट्स ऑन करता हूँ तो ये मेरा हाई बीम है और ये लो बीम है और ये फॉग लैम्प है तो ठीक ही है फॉग लैम्प की लाइट भी ठीक है वैसे नाइट में इतनी बुरी नहीं है तो बैक कैमरा को रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे एक यूजर ने मुझे दो तीन बार पिंग करके बोला था कि बैक कैमरा का एक रिव्यू दे दीजिए तो बैक कैमरा का रिव्यू नाइट पे ठीक है डे में डे में तो अच्छा है ही अगर नाइट में ऐसा विजन दे रहा है तो बस थोड़ा एक वो वाइड एंगल का प्रॉब्लम है वो अगर सही होता तो थोड़ा और मज़ा आ जाता वैसे ठीक है थोड़ा चलाओगे थोड़े दिन तो आपको आदत पड़ जाएगी कि आपको जितना एंगल मिल रहा है वाइट उतना ही ठीक है तो फिलहाल तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही मैंने कहा एक बैक कैमरे का वीडियो बना देता हूँ रिव्यू का और एक और वीडियो लाने वाला एक दो दिन में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ग्लानजा जी वेरिएंट का कोई भी एक रिव्यू जानना हो या आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज पिंग करिए कि आपको किस चीज़ के बारे में रिव्यू चाहिए जैसे मैंने मेरे यूज़र ने मुझे पिंग किया था कि मुझे बैक कैमरे के लिए चाहिए तो आज मैंने उसको बना दिया और ठीक है तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पैन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लाता हूँ कोई भी फॉर्मेटिव वीडियो टेक केयर गुड बाय जय हिंद